जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। श्री सद्गुरु बोध पुस्तक यानी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की जीवनी के अप्रकाशित लेख में आज का विषय है, बिना सिद्ध पीठासन स्थापना के मंत्र सिद्धि नहीं होती है। ये श्री सद्गुरु बोध पुस्तक का जो अप्रकाशित लेख है, इसे भक्तों के लिए मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज में पढ़ रहा हूँ। साधना के क्षेत्र में चलते चलते एक दिन मुझे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए। तब मैंने एक ग्रंथ मंगाया कि इनका पाठ क्या है। तब एक प्राचीन ग्रंथ में यथार्थ पंचमुखी हनुमान जी का संस्कृत का पाठ प्राप्त हुआ। उसे मैंने पढ़ा। तब एक दिन एक भक्त नितिन अग्रवाल, जो बहुत अच्छे वैश्य परिवार का इकलौता पुत्र था, ग्रेजुएशन बीकॉम कर चुका था, वो अपनी फैक्ट्री देखता था और विभिन्न तंत्र मंत्र साधना करता था, जैसे कि अधिकतर साधक केवल मंत्र जापक ही बने रहते हैं और कुछ कल्पित चित्र स्वप्न में देख प्रसन्न होते रहते हैं कि आज कुछ साधना के विषय में दिखा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। यो मेरे दैनिक साधना सत्संग और पास बैठकर ध्यान करने पर उसे अनुभव हुआ, और जब उसे यहाँ दिए साधना के तर्क ज्ञान से पता चला कि स्वतंत्र साधना गद्दी आसन बनाए बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती है, और अन्य महापुरुषों के व्यक्तिगत जीवन परिचय में उनके साधना कार्य को पढ़कर समझ भी आया कि उनके भक्ति भाव के पीछे कितनी गुप्त साधनाएं थीं। तब वो बोला, मुझे भी ये पंचमुंडी साधना करनी है। तब मैं पंचमुंडी कहाँ से लाऊं, ये समस्या हुई, क्योंकि बंगाल आदि क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में साधना क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। यहाँ केवल भगवान के जन्म स्थल और वो भी कैद और दर्शनार्थी मात्र हैं, और देवियों के पीठ हैं, जहाँ कोई साधना स्थल नहीं है, तो कैसे हो। तब मेरे पास अनेक प्रतिष्ठित हड्डियों के डॉक्टर आते थे, तब उनसे बात की। उनके पास मेडिकल कॉलेज के समय लोगों को समझने के अधूरे कृत्रिम सिर थे। तब मेरे आश्रम पर एक अघोरी बाबा आया। उसने भक्त को मेरे कहने पर अपने पास से व्यवस्था कर दी। तब मैंने उसे शुद्ध किया और उसके लिए आसन तैयार किया। वो बोला, गुरुजी मुझे तो डर लगता है। मैं बोला, चल आज मैं देखता हूँ। तब उस रात्रि मैंने स्नान करके दिगंबर बैठकर अपने बनाए उस आसन पर जलते दीपक को आगे रखकर वहीं बैठकर पंचमुखी हनुमान जी के स्रोत पाठ को 11 बार धीरे धीरे स्पष्ट पढ़ता हुआ करता रहा। ओमस्य श्री पंचमुख हनुमंत स्त्रोत मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद श्री हनुमान देवता राम बीजम मम शक्ति चंद्र कीलकम ओंकार कवचाय हों अस्त्राय हूं फट। जिसके एक पाठ करने में लगभग 5 मिनट तो लगते थे, और तब ध्यान लगाकर बैठ गया। मच्छर काट रहे थे, पर ये साधना जगत है, जो सब सहन करने पर ही साधना होती है। तब देखा कि मैं अपने गांव के अपने खेतों पर नहर की पटरी पर एक छोकर के पेड़ के पास एक मित्र के बड़े भाई बाबुद्दीन भाई के साथ खड़ा हूँ। तब पास के खेत में दृष्टि पड़ने पर देखा कि वहाँ एक बड़ी सफ़ेद कलाई से पुती हुई सुंदर बड़ी कब्र है। उसे देख मैं बोला, अरे ये पहले तो यहाँ नहीं थी, अब कहाँ से आ गई। बाबुद्दीन भाई बोले, ये बहुत पहले यहाँ था, अब निकल आई है और सिद्ध पीर की है। इनको बुलाने का तरीका ये है कि माचिस की तिल्ली जलाई और किसी के पहने पसीने के कपड़ों पर इससे ऐसे करो तो एक आकृति बन जाएगी, तब ये आ जाते हैं। मैंने तभी भाई के कपड़ों पर ही वैसे करके बना दिया तो वो एक मगरमच्छ की रेखांकित आकृति बन गई और सब दृश्य बदल गया। अब एक अलग स्थान सा है, संभव है कमरा है। उसमें पहले एक सिंहासन लेकर 2 सामान्य वस्त्र पहने व्यक्ति आए। उन्होंने वो सिंहासन रख दिया। तब एक गोल्डन सिलाई से बना एक सलवार सूट पहने बिना सहरा बंधे एक 45 साल का सांवले रंग का व्यक्ति दुल्हा सा बना प्रकट हुआ और आकर उस सिंहासन पर बैठ गया। उसकी भाव में चोट के घाव पर टांके के चिन्ह थे और अपने सामने देखता हुआ मुझसे बोला, हाँ बताओ क्यों बुलाया।
मुझे बहुत दूर 700 कोस से आना पड़ता है, क्या चाहिए? तब मैंने जिधर वो देख रहा था उधर देखते हुए वहाँ एक नर्तकी नाच रही थी। मैं बोला कि मेरी देखने की शक्ति और बढ़े, यो कुछ उपाय बताओ। और मैंने उन दोनों व्यक्तियों जो पास में खड़े थे देखते हुए पूछा, ये कौन है? तो वे बोले, ये मुन्ना भाई हैं और जिन्न है। तब उसने बोला कि क्या पढ़ते हो? मैं बोला हनुमान चालीसा। तो उसके पास खड़े दोनों व्यक्ति हंसकर बोले कि अरे ये वो पढ़ता है जिसने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे ये हमने कितनी बार पढ़ी है, इससे कुछ नहीं होता, और हंसने लगे। तब ये सुन और देख खुद ये भूत प्रेत से व्यक्ति और ये जिन ये दोहा सुनकर ना डरे और ना कोई फर्क पड़ा, तो इस हनुमान चालीसा का क्या प्रभाव है? तब वो जिन मुन्ना भाई बोला कि इससे पढ़ने से कुछ नहीं होता, बस मन का भय दूर होता है, और वशीकरण पढ़ा करो, वशीकरण। तब मैं सोचने लगा कि वशीकरण का मंत्र कौन सा है, ये ना पता चला और ना बताया। तब वो खुद बोला, लाओ मैं ही इतनी शक्ति तुम्हारी बढ़ा देता हूँ। और उसने अपने अंगूठे से मेरे आज्ञा चक्र स्थान पर नाक की ओर से सिर की ओर को तिलक करते हुए जोर से दबाते हुए खींचा, जिसकी टीस के अनुभव से मैं ध्यान से जागृत होता चला आया। अब मैं उठकर बैठा, कुछ विचित्र भय सा लगा कि मेरी पीठ के पीछे ऊर्जा का स्फुरण का आभास हो रहा है। यो तब बिन पीछे को देखे मैंने अपनी गंगाजली में से गंगा जल लेकर पिया और पीछे को छिड़का। तब अपनी गद्दी पर आकर बैठ इस सब पर की हनुमान चालीसा के उस दोहे को, जिसे हम ये सोचकर पढ़ते हैं कि भूत प्रेत नहीं आएंगे, ये भूत खुद ही पढ़ते कह रहे थे कि अरे हमने कितना इसको पढ़ा है, इससे कुछ नहीं होता, तब अब क्या करूं? हनुमान चालीसा से विश्वास ही उठ गया, तब क्या पढ़ूं? उसका स्मरण आया कि वो कह रहा था कि वशीकरण पढ़ा करो, तो वो कौन सा मंत्र या पाठ है मुझे पता नहीं है। तब फिर जब भी मैं अपनी गद्दी पर दिगंबर होकर बैठता, तब गर्मी थी तो उसकी जोत में मैं दूर से कुछ घरों के व्यक्ति ऊपर छत पर सोने लगने के कारण और भी कई कारणों से नहीं कर पाया, और ना ही नितिन भक्त उसके बहुत दिनों तक झांका। तब कुछ महीनों बाद मैंने वो सब सामग्री हटाकर नहर में बहा दी। तब एक दिन मुझे ध्यान में स्मरण हुआ कि अरे वो वशीकरण तो स्वयं मैं पढ़ ही रहा था, वो था पंचमुखी हनुमान जी का स्त्रोतपाठ। अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, वो सामग्री कहाँ से लाऊं? वो तो सब नहर में बहा दी थी, और बहुत वर्षों तक वो पंचमुखी स्त्रोतपाठ पढ़ता रहा, जो बिन साधन के उससे कोई लाभ नहीं हुआ। यही है साधन सामग्री और सिद्ध गद्दी के ऊपर बैठकर साधना करने से ही सिद्धि होती है, अन्यथा केवल आग आग कहने से आग नहीं लगती और भांग भांग कहने से भांग नहीं चढ़ती, यूं ही केवल मंत्र जपने से सिद्धि नहीं होती है। तो भक्तों, इस साधना घटना से ये ज्ञान सीख मिलती है कि यूं ही प्रत्यक्ष गुरु के ज्ञान की साधना में प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है। वो तभी बताता कि अरे तू ये पढ़ और कल्याण हो जाता, और यही घर में पूजाघर बनाने के पीछे सच्चा रहस्य है जो किसी को नहीं पता। केवल मूर्तियां रखने से पूजाघर नहीं बनता, और ना ही वहां बैठकर पूजा करने से कुछ भय या सिद्धि मिलती है। यो यदि संभव हो सके तो अपने गुरु से अपने पूजाघरों में सिद्धासन बनवाने की ओर विचार करना चाहिए। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।